कोलॉइड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड एज वेल एज अ रिडक्शन मेथड. हम पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा कोलॉइड दोनों मेथड से प्रिपेयर हो सकता है. इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड कौन सा, वही ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और दूसरा बोल रखा है रिडक्शन मेथड. तो कोलॉइड फॉर्मेशन के तीन मेथड्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में डबल डीकम्पोजिशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, और दूसरा हमने पढ़ा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, एंड थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन, है ना. तो ये तीन मेथड्स पढ़े हैं. अब बोल रहा है सल्फर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड और गोल्ड. गोल्ड गोल्ड जो होता है दोनों मेथड से प्रिपेयर हो सकता है, रिडक्शन मेथड से भी और ब्रेडिक्स आर्क मेथड से. ब्रेडिक्स आर्क मेथड से हमने देखा रिडक्शन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, इसको किसमें डाला, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में. यानी फॉर्मेलिन सोल्यूशन, फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है, HCHO प्लस वाटर. ये क्या बना देगा, गोल्ड का सोल, AU सोल. प्लस में क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड एंड HCl. बैलेंस हो गई है, ठीक है. ये कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, रिडक्शन मेथड. तो जो गोल्ड का सोल है उसको हम रिडक्शन मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर.